सब गाइस कैसे हो, वेलकम बैक टू यूनिवर्स। सो गाइस आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको प्रीव्यू में दिखाया था कि वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसका ट्यूटोरियल आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, और बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ को। और जिसे भी लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना। और आज के वीडियो का लाइक हम रखते हैं ओनली भाई 9। ये तो करा ही दोगे भाई, करा ही दोगे। और गाइस सबसे पहले आपको गाइस फ्री फायर पे आने हैं। ओके, और गाइस आपको जो है विदाउट कपड़े आपको कुछ ऐसे आपको रिकॉर्ड करने हैं। ओके, जो भी आपके पास गन स्किन है आपको ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, मींस आपको कोई भी कपड़े नहीं पहनने। ओके, उसके बाद आपको ऐसे रिकॉर्ड करने हैं। ओके, उसके बाद आप जो है ना अपने प्रो कपड़े पहन लो। ओके, मैं प्रो कपड़े पहन के आपसे मिलता हूँ। गाइज मैंने प्रो कपड़े पहन लिए। ओके, और उसके बाद फिर से आपको वो एक गन स्किन पे जाना है प्रो कपड़े पहनने के बाद, और फिर से वैसा ही आपको रिकॉर्ड करना है। ओके गाइज, रिकॉर्ड होने के बाद जो है गाइज आपको आना है काइन मास्टर पे। ओके चलो काइन मास्टर पे मिलते हैं। गाइज आपको मतलब काइन मास्टर में आने के बाद 19:16 का यीशु लेना है। ओके, यीशु की क्या बोलते हैं, छोड़ो। ओके, 19:16 का यीशु लेना है। उसके बाद आपका जो है वीडियो क्लिप आपको मतलब जिसने आपका रिकॉर्ड किया था, ओके आप वो वीडियो क्लिप डाल दो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ढूंढ लेना है जहाँ पे आपका मतलब स्टार्टिंग पोजीशन है। ओके, और गाइज यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पोजीशन है, तो गाइज आपको जो है कट करके गाइज कुछ ऐसा गाइज जैसा मैं कर रहा हूँ आपको भी पैन एंड जूम में जाके गाइज अपना गाइज वीडियो क्लिप को थोड़ा सा जूम करना होगा। ओके, जैसे मैं जूम कर रहा हूँ अभी वैसे जूम कर लेना। ओके, पैन एंड जूम में जाके। ओके, उसके बाद आपको डन कर देना है। ओके, डन करने के बाद आपको देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और गाइस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब आप देख सकते हो, इधर जो है मेरा मतलब दोस्त ने इन्वाइट किया था। ओके, सो मैं इधर जो है इधर से मैं कट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से अपने जाता हूँ जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था। ओके, इसके बाद गाइस आपको ट्रिम टू लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट करके करने के बाद गाइस ढूंढना है जहाँ से आपका वीडियो गाइस स्टार्ट होता है, मतलब जो गन स्किन जो है हाथ मतलब उठाते हैं। ओके, जहाँ से गन स्किन स्टार्ट होता है देखो, मतलब कुछ इस तरह के आपको रखने। ओके, उसके बाद आपको स्पीड गाइस 0.5 कर दे रहे हो। ओके, जिससे थोड़ा हेल्प होगा। और देख सकते हो जहाँ पे गाइस ये मतलब अपना कैरेक्टर मुंडी साइड में करेगा ना, उस वक्त आपको जो है थोड़ा सा मतलब कट डाल लो। ओके, आप जो है गाइस मतलब यहाँ पे कट डालने। ओके, उसके बाद जो है अपने जो है प्रो क्लिप मतलब क्लिप जो है ना वो आपको ढूंढ लेना। ओके, आप देख ही सकते हो कि मेरा यहाँ पे गाइस प्रो क्लिप आ चुके हैं। ओके, और गाइस आपको कुछ उसी पोजीशन पे जो है जहाँ पे आपका कैरेक्टर मुंडी साइड में करता है ना, उसी पोजीशन पे आपको गाइस ट्रिम टू लेफ्ट एंड प्लेट करने। ओके गाइस, ये सब काम करने के बाद आप देख ही सकते हो मतलब कितना स्मूथ हो रहा है ना। ओके, और आप देख ही सकते हो। ओके, और आप देखो गाइस कितना ऊपर लग रहा है। ओके, और आपको एंडिंग पोजीशन ढूंढना है। ओके, उसके बाद आपको ट्रिम टू राइट एंड प्लेट करना है। उसके बाद जो है आपको गाइस स्पीड को गाइस नॉर्मल करना है। ओके, नॉर्मल करने के बाद आपको वीडियो को गाइस करना है फुल क्वालिटी पे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद मिलता हूँ गाइज। एक्सपोज होने के बाद आपको एक न्यू प्रोजेक्ट में जाने 16:90 का रेशियो लेके गाइज आपको जो है एक ब्लैक स्क्रीन को लेना है। ओके, ब्लैक स्क्रीन को लेने के बाद आपको जो है गाइज कुछ नहीं करना है, आपको लेयर पे जाके गाइज मीडिया पे जाके। ओके नहीं गाइज सॉरी, मैंने इफेक्ट पे क्लिक कर दिया। आपको मीडिया पे जाके गाइज जो आपका वीडियो है ना जो अभी अभी आपने एडिट किया है उसको आप मतलब अच्छे से सेट कर लेना। ओके, शेड करने के बाद जो है आपको स्पीड को 0.5 कर लेना। ओके, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है इन एनिमेशन को वाइज फेड करना है, फेड। ओके, आप देख सकते हो फेड। ओके, और गाइज आपको मतलब बैक आने के बाद गाइज आउट एनिमेशन को भी आपको फेड कर लेना। ओके, फेड इससे आपका देखो गाइस होता है क्या कि आपका ऐसा लगता है स्टार्टिंग में थोड़ा बंद होके आता है, उसके बाद लास्ट में भी बंद हो जाता है। ओके, उसके अभी गाइस इसके बाद आप एक्सपोर्ट कर लेना, उसके बाद मिलते हैं। उसके बाद गाइस मैं आपको एक XML फाइल का लिंक दूंगा। ओके, और उस फाइल को जो है आपको गाइस सेलेक्ट करके जो है आपको शेयर करना है, वो आपका जो अलाइन मोशन ऐप। ओके, अलाइन मोशन ऐप में आपको गाइस शेयर करने। ओके, और यहाँ पे गाइस इनपुट प्रोजेक्ट आके कुछ लिख के आएगा। ओके, और देख सकते हो आ गया। उसके बाद आपको जो है कुछ देख करना है, आपको अलाइन मोशन ऐप में जाना है। ओके, और नीचे गाइस प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन में जाके आप देख सकते हो एक XML आया है, उसमें आपको क्लिक करना है। ओके, और वहाँ पे 3 लेयर दिखेंगे। ओके, वो कुछ ये देख रहा है, पहले गाइस प्लस के ऑप्शन को देख रहे नीचे, उसके बाद जो है आपका वीडियो क्लिप को आपको ऐड करना है, और साइड के ऑप्शन में मैं आपको एक ऐड दिखा रहा हूँ, उसको गाइस सबसे नीचे कर देना। ओके,
सबसे नीचे करने के बाद आप देख ही सकते हो भाई क्या ही लुक आ रहा है अपने वीडियो का। ओके थोड़ा ग्लो इफेक्ट आ गया और कलर ग्रेज भी हो गया। ओके थोड़ा थोड़ा और गाइस यहाँ पे जो है मैंने 6 सेकेंड्स का मतलब यहाँ पे XML है ओके फाइल, और आपका वीडियो गाइस कम से कम 9 सेकेंड्स का होना चाहिए। 9 सेकेंड इफ़ आपका वीडियो ठीक हो जाए तो आप कुछ मत करना कि इफ़ आपका वीडियो छोटा होता है तो आप जो है ये 2-3 लेयर है ना उसको थोड़ा बड़ा कर लेना ओके आपके वीडियो के मतलब साइज की जितना। उसके बाद गाइस आप कुछ मत करो, उसके बाद जो है आप वॉइस एक्सपोर्ट करने वीडियो को ओके। एक्सपोर्ट करने के बाद आपसे योकट ऐप में मिलते हैं। सो गाइस मैं आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दूंगा जिसका नाम है योकट ओके, और आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, अपना जो एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो था ना अपने जो अर्ली मिशन में एक्सपोर्ट किया था आपको वो वीडियो ऐड करना ओके। उसके बाद आपको गाइस सॉन्ग ऐड करना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके डाउनलोड कर लेना ओके। और मैं आके मतलब सॉन्ग ढूंढता हूँ बट मुझे मिल ही नहीं रहा यार, चलो मैं ढूंढ के आपको मतलब आपसे मिलता हूँ। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो है सॉन्ग ऐड कर दिया ओके मैंने, और मैं आपको थोड़ा सा वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ बट सॉन्ग आपका नहीं आ रहा होगा ओके। बट हाँ गाइस थोड़ा सा इफेक्ट भी अभी डालने है बाकी है ओके, अभी मैं आपको डालता हूँ इफेक्ट। उसके बाद गाइस आपको इफेक्ट सेक्शन में आने ओके, और यहाँ पे गाइस आपको एक गोश्त नाम का इफेक्ट मिलेगा ओके, वो ढूंढ लेना है। और आपको गाइस ढूंढना है जिस जहाँ से आपका नूप क्लिप से प्रो क्लिप मतलब क्लिप होते हैं ओके, वहाँ पे आपको गाइस सेट कर लेना है जैसे मैं सेट कर रहा हूँ ओके। देख सकते हो नूप से प्रो हो रहे हैं ना, उसके बीच पे गाइस आपको सेट करना है ओके। और एक इफेक्ट ऐड करना मैं बताता हूँ कि उस इफेक्ट का नाम, और इफेक्ट में डाल के भी आपको दिखाता हूँ ओके। और आपको गाइस यहाँ पे गाइस इफेक्ट सेक्शन में जाके जो है और यहाँ पे गाइस आपको ढूंढ लेना है आपका इफेक्ट जब खत्म होता है ओके। और उसके बाद गाइस आपको एक हार्ट बीट नाम का इफेक्ट मिलेगा ओके, उसको आपको डालना है गाइस। देख सकते हो हार्ट बीट नाम का इफेक्ट आपको उसको डालना है। उसके बाद गाइस आपको सेव कर लेना है और आपका वीडियो बन गया। एंड गाइस बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।